अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। ईमेल को हम सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, उसको फॉरवर्ड कैसे करना है, इसके साथ साथ हमारा डिस्कस करेंगे ईमेल के एडवांटेजेस और इसके साथ उसकी लिमिटेशंस को। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ईमेल। सो बेसिकली ईमेल इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिकली जो एक मैसेज है या मेल है आप सेंड करते हैं उसको ईमेल कहते हैं। सो मेन फीचर्स क्या है ईमेल का, देख रहे थे। ईमेल आल्सो रेफर टू एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक एक मैसेज सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं ईमेल। इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, यानी कि जो मैसेजेस हैं उनको आप उनकी ट्रांसमिशन ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यानी थ्रू इंटरनेट और एन इंट्रानेट। एन इंट्रानेट इज सिमिलर टू द इंटरनेट एक्सेप्ट दैट इट इज इंटरनेट टू अ कंपनी। जो इंटरनेट होता है दैट इज वर्ल्ड वाइड, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। और इंटरनेट क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं विद इन अ कंपनी, आप किसी कंपनी में बैठे हैं, उनका अपना एक लोकल नेटवर्क है, आप उनके थ्रू अगर कंपनी को मैसेज सेंड करते हैं दैट इज नोन एज एन इंट्रानेट। ईमेल सिस्टम्स आर देयरफॉर, बेसिकली ईमेल ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म थी इसकी वो क्या थी, वो खतों किताबत थी, जो हम खतूत लिखते थे और हम उनको पोस्ट करते थे किसी को सेंड करने के लिए। अब पोस्ट का काम ले लिया इंटरनेट ने कि इंटरनेट के थ्रू आपका मैसेज रिसीव हो जाता है, खत की जगह पर अब आपकी वो ईमेल का मैसेज आ गया। जैसे आप उस मैसेज को टाइप करते हैं आप उसको सेंड करते हैं थ्रू इंटरनेट, वो आपके रिसीवर को रिसीव हो जाता है। तो बेसिकली इसका यही मेन पर्पज़ क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मैसेज विद इन अ सेकेंड अपना किसी दूसरे यूज़र को पहुंचा सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, और बिजनेसेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बिजनेसेस जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो दे यूजुअली कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स, क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक यूजफुल टूल है। ईमेल सिस्टम्स आर देयरफॉर एसेंशियली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम, जिसका मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम जो खतों किताबत का पुराना निज़ाम था कि उसका एक लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। दे ऑपरेट एज फॉलोस, किस तरह ऑपरेट करते हैं देखते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेन एंड पेपर, वही वाली बात की, पेन पेपर की जगह पर आप क्या करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज आप कंप्यूटर मोबाइल फोन के या टैबलेट के थ्रू आप अपनी ईमेल को कंपोज करते हैं और उसको आप सेंड करते हैं। दी एड्रेस इज आइडेंटिफाइड बाय एन ईमेल एड्रेस, जो आपका एड्रेस है जिस तरह पहले आपका जिसको आपने सेंड करना था पहले आप उसका एड्रेस लिखते थे पोस्ट के ऊपर, जो आपका पोस्ट करना था पोस्टल लेटर के ऊपर आप उसका एड्रेस लिखते थे कि आपने इसको सेंड करनी। आप एड्रेसी क्या होता है, आप एड्रेसी का एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस होता है विच इज़ अ स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफायर, जो हर यूज़र का डिफरेंट होता है दूसरे यूज़र की निस्बत, तो वो एक स्पेसिफिक उसका यूनिक आईडी होता है जिसके ऊपर आप उसको मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं। टिपिकल फॉर्म माइट बी नेम एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, अगर आप जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो डोमेन नेम है सबसे पहले आता है जो यूज़र का नेम होता है, देन एट द रेट जो भी डोमेन उसने इस्तेमाल करके ईमेल बनाया उस डोमेन, फॉर एग्जाम्पल जीमेल डॉट कॉम पर बनाइए तो जीमेल डॉट कॉम, इसी तरह अगर हॉटमेल पर बनाइए तो हॉटमेल डॉट कॉम के ऊपर यूजर का ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, कंप्लीट ईमेल एड्रेस। ईमेल्स आर सेंड बाय क्लिकिंग अ सेंड बटन, जब आप ईमेल कंपोज कर लेते हैं मैसेज कंपोज कर रहे तो सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो जैसे ही ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर वो सेंड बटन क्लिक करते हैं तो आपका ई मैसेज जो है वो सेंड हो जाता है। ईमेल सर्वर्स ट्रांसमिट ईमेल मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर अक्रॉस अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, जो ईमेल सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका मैसेज जो है वो सेंडर टू रिसीवर एक ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देते हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपका मैसेज विद इन अ सेकंड दूसरे यूजर को ट्रांसमिट कर देते हैं। दिस इन्वॉल्व्स कॉपिंग द मैसेज फ्रॉम द सेंडर डिवाइस, आपकी डिवाइस जो सेंडर की डिवाइस है उससे वो मैसेज को कॉपी करते हैं टू एन इलेक्ट्रॉनिक सर्वर टू एन ईमेल सर्वर दैट द रेसिपिएंट कैन एक्सेस, एक ईमेल सर्वर के ऊपर जो रेसिपिएंट है वो उसको एक्सेस करके जब वो लॉगिन करेगा अपनी ईमेल आईडी के अंदर तो वो उसको रिसीव हो जाएगा मैसेज और उसको एक्सेस करते हुए रीड कर सकते हैं। थिंक ऑफ दिस एज द लेटर हैविंग बीन डिलीवर्ड टू यू लोकल पोस्टल ऑफिस टू अवेट कलेक्शन, क्योंकि जिस तरह आपका लोकल पोस्ट ऑफिस के ऊपर आपको कोई लेटर अगर आया तो वो लोकल पोस्ट ऑफिस में पड़ा है और रिसीव और वेट किया किस चीज़ का वेट है कि आप उसको जाके वहाँ से कलेक्ट करें। इसी तरह यह है कि रिसीव आपको ईमेल रिसीव हो गई है, जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी और आपको इंतजार की चीज़ का जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो चीज़ आपको रिसीव भी हो जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। The recipient's device, for example, a computer can fetch new email from their email mail server, like collecting mail from the postal office. वही वाली बात कि जैसे ही recipient की जो डिवाइस है उस जब इंटरनेट कनेक्शन को मिल लगा होगा इंटरनेट कनेक्शन का चल रहा होगा तो जितनी भी न्यू ईमेल होंगी वो मेल सर्वर से उनको डायरेक्टली रिसीव कर लेता है। द डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द लोकल ईमेल सर्वर एंड मेक्स अ कॉपी ऑफ द ईमेल ऑन टू द recipient डिवाइस, डिवाइस जैसे ही आपके लोकल ईमेल सर्वर का कम्युनिकेट करेगी तो उसकी एक कॉपी वो अपने अंदर भी स्टोर कर लेगी, जिस तरह मैंने बताया कि वो
जब सेंडर की तरफ से जब मैसेज सेंड हुआ था तो ईमेल सर्वर ने क्या किया था, वो मैसेज कॉपी करके रेसिपिएंट को सेंड कर दिया। इसी तरह रेसिपिएंट क्या करेगा, वो ईमेल सर्वर के थ्रू जो मैसेज आया वो उसको कॉपी करके डिवाइस में स्टोर कर देगा ताकि यूजर उसको किसी भी वक्त देख के रीड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव द रेसिपिएंट इज एबल टू एक्सेस देयर ईमेल डायरेक्टली ऑन द ईमेल सर्वर बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। या वो क्या करता है, अल्टरनेट उसका एक अल्टरनेट के पर्पज क्या है कि वो किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर जो है ना लॉग इन करे और डायरेक्टली मैसेज को रीड कर ले। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, अब क्रोम आ गया, इस तरह सफारी, मुख्तलिफ किस्म के वेब ब्राउजर्स हैं, फायरफॉक्स, मोज़िला का जो है, तो वो उस पर जाकर डायरेक्टली वो ईमेल को ऑनलाइन भी ईमेल सर्वर के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। इन दिस केस द लोकल डिवाइस डज नॉट टेक अ कॉपी ऑफ द ईमेल। इस तरह वो ईमेल की कॉपी रिसीव डिवाइस में सेव नहीं होती। जिस तरह आप एक हर डिवाइस में जो आपकी लोकल डिवाइस में मोबाइल फोन होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, इनके ऊपर एक ईमेल का स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन आपके पास एक सेव होती है, ऑलरेडी आपके मोबाइल्स में होती है, तो जैसे ही कोई मैसेज आता है वो ईमेल के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाता है और आप मोबाइल के अंदर कभी भी उसको ऑफलाइन जाके भी रीड कर सकते हैं। लेकिन जब आप वेब ब्राउजर के थ्रू या वेब सर्वर के थ्रू जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मैसेज आपके डिवाइस में सेव नहीं होता अनलेस आप उसको खुद सेव करें या डाउनलोड ना करें। द यूजर व्यूज द लाइव, ये वही बात की जब आप वेब सर्वर इस्तेमाल करें तो आप उसकी लाइव कॉपी देख लेते हैं थ्रू इंटरनेट। अब सिंक्रोनाइजिंग ईमेल क्या होती है, जिस तरह बताया कि ईमेल्स जो है वो कंप्यूटर फाइल स्टोर्ड ऑन द ईमेल सर्वर होती है, वी हैव आल्सो डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी डाउनलोड, जिस तरह डाउनलोड कैसे की जाती है। सो इन फैक्ट दिस रिलेशनशिप इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज द सेम ईमेल्स कैन बी डाउनलोडेड ऑन टू मल्टीपल डिवाइसेज। तो ये इतना एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप सेम ईमेल को मुख्तलिफ डिवाइसेज के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ यूजर कैन व्यू द सेम ईमेल अकाउंट फ्रॉम देयर स्मार्टफोन एज वेल एज, एक ईमेल अकाउंट से आप मुख्तलिफ डिवाइसेज के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पे भी लॉगिन हो सकते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर यूज़ करें आपने वहाँ पे भी अपनी ईमेल लॉगिन की होती है, आपने ऑफिस में गया तो आपने अपने ऑफिस कंप्यूटर पे भी अपनी ईमेल लॉगिन किया, तो आप मल्टीपल डिवाइसेज के ऊपर जो है अपना ईमेल रिसीव कर सकते हैं। सो केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर यूजर्स आर वर्किंग विद मोस्ट अप टू डेट वर्जन ऑफ द ईमेल मेल सर्वर। इनके जो आपने क्या करना है कि जो आप मेल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं आपने देखना है कि आपका जो मेल सर्वर है वो अप टू डेट है, वो लेटेस्ट है, जो आपके ईमेल अकाउंट के साथ मैच होता है। मोस्ट ईमेल एप्लीकेशंस आइदर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश द लोकल कंटेंट्स ऑफ द मेल बॉक्स और अल्टरनेटिवली हैव अ सिंपल रिफ्रेश ईमेल और सेंड रिसीव बटन दैट कैन बी यूज्ड टू रिफ्रेश द मेल बॉक्स। या तो ऑटोमेटिकली जैसे आप डिवाइस स्मार्टफोन डिवाइसेज हैं वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैसेज नया मैसेज रिसीव होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती जाती है, इंटरनेट कनेक्शन जैसे उनके साथ लाइव जाता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती हैं, चीज़ों को सिंक करना होता है। सिंक्रोनाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जो मैसेज आपको रिसीव हो रहा है उनको आपका जो डिवाइस का एक मैकेनिज्म होता है, जो डिवाइस के अंदर आपकी जो इंटरनेट लगा हुआ है, अगर आपको ऑटोमेटिक डिवाइस रिफ्रेश होगा तो वो विद इन अ सेकंड विद इन मिनट्स वो रिफ्रेश होता है और जो नया मैसेज आता है उसका आपको नोटिफिकेशन शो कर देता है और वो मैसेज आपको ऑन द टॉप शो होना शुरू हो जाता है कि आपके मैसेज आपका 100 आपको इसको रिसीव करना चाहिए। जैसे ही आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं तो आपको उसके आपकी मेल बॉक्स के अंदर वो चीज़ आपको रिसीव हो जाती है। सो सिंक्रोनाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो ईमेल है आप उसको कितनी बार रिफ्रेश करते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि आपको एक खास रिफ्रेश का बटन आपकी ईमेल आए, जैसे आप ईमेल ओपन करते हैं, ईमेल सर्वर ओपन करते हैं तो आपको एक रिफ्रेश का बटन टॉप लेफ्ट साइड पर आपको शो होता है, आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो जो लेटेस्ट ईमेल होती है आपको वो भी शो होना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि ईमेल सेंड कैसे की जाती है। सेंडिंग एन ईमेल टिपिकली इन्वॉल्व्स एक ईमेल सेंड करने के लिए आपको क्या है, क्लिक ऑन द न्यू टैब न्यू बटन टू ओपन अ न्यू ब्लैंक ईमेल। आपके ईमेल के लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक न्यू का बटन होता है जहाँ से आप क्लिक करते हैं न्यू, उस पर तो एक न्यू ईमेल बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें आपने अपना ईमेल टाइप करें। एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, आपको एक ईमेल एड्रेस देना होता है जिस तरह होता है ऊपर हमने अभी बात की थी कि name@domain.com। एंटर अ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप जिस वाले से भी ईमेल के लिए राइट योर मैसेज, जो भी आपने मैसेज टाइप करना आप वो मैसेज टाइप करते हैं। आपने टाइपिंग एरर्स के अंदर अपने स्पेलिंग को चेक कर लेना कि कोई टाइपिंग एरर तो नहीं, और देन आप सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंड की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप अपना मेल जो आपने जिसको भी आपने सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे जो भी आपने उसको सब्जेक्ट देना है जिस भी सब्जेक्ट के हवाले से आप मैसेज करना आपने वहाँ पे सब्जेक्ट, और ये आपका बेसिक मेन बॉडी होती है जिसमें आपने मैसेज कोई भी मैसेज टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद आप जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे मैसेज सेंड हो जाएगा। आप रिसीव कैसे करते हैं, रिसीव करना, उसको रिप्लाई करना या अपनी ईमेल को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। ईमेल्स आर डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, ईमेल जो है वो आपके इनबॉक्स में डिलीवर होती हैं। एनी अनरेड मैसेज ईमेल्स आर आइदर हाईलाइटेड और अपीयर्ड इन बोल्ड। जो भी आपका अनरेड मैसेज होता है वो क्या होता है, वो हाईलाइट हो जाता है या फिर बोल्ड लेटर्स बोल्ड होना शुरू हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये मैसेज अनरेड है, उसको क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं। टू ओपन एंड रेड एन ईमेल क्लिक समवेयर ऑन द ईमेल, आप किसी भी जगह पर मतलब ये
आपको जो अनरेड मैसेज होता है वो बोल्ड लाइन में, जिस तरह की फर्ज कर लेंगे अगर ये है आपको ये ईमेल आई है तो वो इस तरह बोल्ड होकर यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो ईमेल ओपन हो जाएगी। वंस एन ईमेल इज ओपन यू विल सी अ नंबर ऑफ फर्दर ऑप्शन सच एज, जैसे ईमेल ओपन होती है तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो होंगी, फॉर एग्जांपल क्लोज, यानी कि आप उस ईमेल को क्लोज कर सकते हैं। रिप्लाई, आप उसको क्लिक करें, रिप्लाई पे क्लिक करके आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई ऑल, आप जितने भी मैसेज आए हैं तो आप उनको सबको एट वंस रिप्लाई करने के लिए आप रिप्लाई ऑल पे क्लिक करके जो भी आपने सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखना है आप उसको लिख के उसके बाद आप अपना रिप्लाई रेफरेंस के साथ विद लेटर आर ई टाइप करके आप उसको रिप्लाई करके तो रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने की ऑप्शन होती है वेरी सिमिलर टू रिप्लाई एक्सेप्ट दैट द रेसिपिएंट एड्रेस इज लेफ्ट ब्लैंक, जो रेसिपिएंट एड्रेस होता है वो लेफ्ट ब्लैंक वो खाली होता है, वहाँ पर आपको मैसेज की नियर रेसिपिएंट जिसको आपने फॉरवर्ड करना था आपको उसका एड्रेस देना पड़ता है। द सब्जेक्ट लाइन विल बी प्रीफिक्स्ड विद द लेटर फॉरवर्ड, जो सब्जेक्ट लाइन होती है आपकी वो प्रीफिक्स्ड होती है, वो फॉरवर्ड लाइन के थ्रू प्रीफिक्स हो जाती है ताकि पता लगता है, इससे क्या पता लगता है कि ये आपको मैसेज फॉरवर्ड किया गया और यहाँ पर जो आ रही है इससे क्या पता लगता है कि ये मैसेज का रिप्लाई आया है आपको, तो आपको पता लग गया था कि ये किसी ने आपको किसी मैसेज का आपको रिप्लाई आया और ये आपको कोई मैसेज किसी ने फॉरवर्ड किया। इसी तरह डिलीट की ऑप्शन होती है कि अगर आपको कोई मैसेज आपने कोई सिस्टम पर आपने सेव नहीं रखना तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं या स्पैम फिल्टर्स के अंदर। नोट दैट सम सिस्टम्स आल्सो इंक्लूड स्पैम फिल्टर्स व्हिच क्वारंटाइन व्हाट अपीयर टू बी अनवांटेड स्पैम ईमेल्स, कुछ ईमेल्स होते हैं जो कि आपके स्पैम फिल्टर्स होते हैं जो कि आपकी ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में ऑलरेडी सेंड कर देते हैं कि अगर आपको वो उनकी नहीं चाहिए होती। यू शुड चेक द क्वारंटाइन पीरियड पीरियडिकली एज स्पैम फिल्टर्स कैन मेक मिस्टेक्स एंड सेग्रीगेट लेजिटिमेट ईमेल, बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो लेजिटिमेट जो आपको ईमेल ज़रूरी होती हैं जो चाहिए होती हैं वो उनको भी बाजू का स्पैम फोल्डर में सेंड करें तो आपको स्पैम फोल्डर्स को भी बार बार चेक करना होता है कि कहीं वो ईमेल स्पैम में तो नहीं चलेगी। जो आप ईमेल डिलीट करते हैं वो भी स्पैम फोल्डर में सेव हो जाती है कुछ अर्से के लिए जब तक आप उसको स्पैम फोल्डर से भी जाकर डिलीट ना करें। इसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट्स की। जब आप ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन और मिलती है अगर आप टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ कि आप अपनी फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। अब बेसिक ईमेल कंप्राइज़ है मैसेज, बेसिक ईमेल होती है वो के मैसेजेस के थ्रू मैसेज ही होता है एक जिसको आप टेक्स्ट के थ्रू टेक्स्ट मैसेज आप टाइप करते हैं वो होता है। हाउएवर व्हेन सेंडिंग ईमेल्स यू कैन ऐड अटैचमेंट्स, आप अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं सच एज फोटोज या डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल्स एक्सेल फाइल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर आपने ऑफिशियल कोई ईमेल सेंड करें तो ऑब्वियसली आपने कोई ऑफिशियल लेटर सेंड करना होगा या कोई आपने कोई कोटेशन सेंड करनी है तो आप उसकी कोई एक फाइल बनाई होती है जो कि आपको अटैच करनी होती है विद योर टेक्स्ट मैसेज, या वीडियोज और फोटोज भी आप सेंड कर सकते हैं। टू सेंड एन अटैचमेंट विद योर ईमेल आपको अपनी जो अटैचमेंट है अपनी ईमेल के साथ सेंड करने के लिए क्या करना है, कंपोज द बेसिक ईमेल, जैसे आपने बेसिक ईमेल जो आपको बताएगी आपने वो टाइप करनी है। उसके बाद नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन होती है, एक आइकन बना होता है राइट ही है जहाँ पे सेंड के ऑप्शन होते हैं उसके साथ ही एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा अटैच फाइल की। दिस विल टिपिकली ओपन अ विंडोज एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स, एक विंडोज एक्सप्लोरर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लोकेट द फाइल यू विश टू अटैच, आपको वहाँ पर जाकर वो फाइल लोकेट करनी है, वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने इधर अटैच करेंगे, उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे सेंड को तो वो मैसेज के साथ आपकी वो फाइल भी अटैच होके सेंड हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने फोल्डर्स सेंड करने हैं तो फोल्डर्स यहाँ पे जो है यूजिंग फोल्डर्स, मोस्ट ईमेल सिस्टम सपोर्ट द यूजर ऑफ फोल्डर्स टू हेल्प यू मैनेज एंड फाइल्स योर ईमेल्स, आप अपनी जो ईमेल्स होती हैं उनको हेल्प कर देता है आपको एक अरेंज करने में, ये फोल्डर्स की फोल्डर्स जो है वो आपको अरेंज करने में आपकी जो ईमेल्स है वो हेल्प करता है। द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर में आपकी चीज़ें फोल्डर्स के अंदर सेव होती हैं, डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर आप उनमें से जाकर अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी तरह विच अलाउज यू टू मूव डिलीट एंड अरेंज योर कंप्यूटर फाइल्स इन या लॉजिकल फैशन, आप एक लॉजिकल तरीके से अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो ईमेल है इसके अंदर भी मुख्तलिफ फोल्डर्स ऑलरेडी अटैच होते हैं, बने होते हैं जिनके अंदर आपकी चीज़ें सेव होती हैं। इनबॉक्स जहाँ पर आपकी जो मैसेजेस आपको रिसीव हुए वो इनबॉक्स में जाएंगे, जो मैसेजेस आप जाएंगे जो ईमेल आप सेंड करते हैं वो सेंड फोल्डर में सेव। इसी तरह जंक, जो मैसेजेस आपको नहीं चाहिए होते हैं जो स्पैम फोल्डर्स होते हैं वो जंक फाइल्स के अंदर, जो फाइल्स आपका सिस्टम कंप्यूटर जो है वो कंसिडर करता है कि ये जंक है तो वो उनको जंक फाइल में सेव करता है। इसी तरह जो मैसेजेस आप डिलीट करते हैं वो डिलीटेड फाइल्स में कुछ अर्से के लिए सेव होती हैं, और ड्राफ्ट्स जो आपने मैसेजेस सेंड नहीं किए होते लेकिन आपके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उनको सेव कर लिया था एज ड्राफ्ट के, वो मैसेज आपने टाइप किया बाद में आपने सेंड करना भूल गया आपने उसको एंटर किया वो चीज़ आपकी ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, तो आप वहाँ से उस मैसेज को दोबारा टाइप करके चेक करके उसको आप सेंड कर सकते हैं। इस तरह यू कैन देन ऐड पर्सनलाइज फोल्डर, आप पर्सनलाइज फोल्डर बना सकते हैं क्लाइंट मैटर्स, अगर आपने कोई क्लाइंट आप खुद भी बना सकते हैं क्लाइंट मैटर्स के नाम से, सप्लायर्स के नाम से, आईटी इश्यूज के नाम से, इस तरह मतलब आप अपने पर्सनल फोल्डर्स भी बना सकते हैं अपनी ईमेल के सर्वर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं ईमेल्स के बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशंस। सो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल इंक्लूड एन ऑडिट ट्रेल ऑफ मैसेजेस ऑटोमेटिकली रिट्रेन
एंड कैन फॉर लॉन्ग पीरियड, कैन बी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। आपका जो ईमेल का ऑडिट ट्रेल यानी कि आपके जो मैसेजेस होते हैं आप उनको ऑटोमेटिकली रिट्रेन कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली ये मैसेजेस ऑनलाइन सेव होते हैं, आप कभी भी इनको रिट्रीव कर सकते हैं, कभी भी इनको देख सकते हैं, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए सेव भी रह सकते हैं। दिस कैन बी इनवैल्यूएबल इन डिस्प्यूट्स और सिंपली टू चेक द डिटेल्स ऑफ एन ईमेल कन्वर्सेशन और एन क्लाइंट और क्लाइंट ऑर्डर्स। ये डिस्प्यूट के अंदर आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है कि अगर आपका कभी कहीं डिस्प्यूट होता है तो आप फौरन से पहले वो जाकर अपनी ईमेल्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हुआ भी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आपने ये मैसेज किया था। अगर कोई डिस्प्यूट आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को अपना मैसेज दिखा भी सकते हैं कि आपको ये ऑर्डर प्लेस किया था या ये ऑर्डर आया था जिसके रिस्पॉन्स में आपने ये रिप्लाई किया था। दी सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल इज वर्चुअली इंस्टेंटेनियस एनी वेयर इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी जो सेंडिंग और रिसीविंग है वो सिमिलर आता है, कहीं से भी आप इंस्टेंट आप मैसेज रिप्लाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। दिस इनेबल्स मैनेजर्स टू कम्युनिकेट विद कलीग्स एंड कंपनीज टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स और सप्लायर्स इनक्रेडिबली क्विकली। इससे क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने कलीग्स के साथ कंपनी के अंदर क्विकली जो है रिस्पॉन्स एक दूसरे को दे सकते हैं, और सिमिलर जो कंपनीज होती हैं वो अपने क्लाइंट के साथ या अपने जो कस्टमर होते हैं सप्लायर्स होते हैं उनके साथ क्विकली जो है ना सेंड और रिसीव मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ से ईमेल सेंड करते हैं, वहाँ पर ईमेल रिसीव होती है, वो क्विकली आपको उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ये क्विक वे हमें बताया एक फॉर्मल बिजनेस के अंदर ये मैसेजिंग करने का जो फॉर्मल तरीका है बिजनेस के अंदर ईमेल, आप ईमेल के थ्रू ही जो है अपनी कम्युनिकेशन दूसरे बिजनेस के साथ या सप्लायर के साथ अपनी मेंटेन रखते हैं। रेस्टोरेंट कैन एक्सेस ईमेल एनीवेयर एंड एनी टाइम एट देयर कन्वीनियंस। वो अपनी कन्वीनियंस के थ्रू कहीं भी किसी ऑफिस में अपनी कार में बैठ के ऑफिस में कहीं ट्रैवल करते हुए वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपना ईमेल चेक कर सकते हैं लॉगिन करके और आपको रिप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव मेल शॉर्ट्स टू मल्टीपल रेस्टोरेंट्स कैन बी रिप्लेस बाय सिग्निफिकेंटली क्विकर एंड चीपर मल्टी रेस्टोरेंट ईमेल कम्युनिकेशन। पहले क्या होता है कि वो मल्टी शॉर्ट्स के मेल शॉर्ट्स के थ्रू मल्टीपल रेफरेंसेस को बार बार रिप्लाई मल्टीपल तरीकों से आप रिप्लाई करते थे डिफरेंट ईमेल्स को करना पड़ता था। अब आपको ये क्विकली और चीपर ये एक मल्टी रेस्टोरेंट की एक ऑप्शन मिल जाती है ईमेल के अंदर कि आप एक ही ईमेल मुख्तलिफ लोगों को एक साथ सेंड कर सकते हैं, जो कि एक ग्रेटर पेनिट्रेशन के लिए आपको जो है ना ग्रेटर पेनिट्रेशन अचीव करने में आपको हेल्प आउट करती है या आपको एक लार्ज स्केल के ऊपर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। फॉर एग्जांपल व्हेन अ लार्ज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कम्युनिकेट अ कॉर्पोरेट मैसेज टू ऑनलाइन एम्प्लॉइज इट कैन डू सो इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। अगर आपने 1 लाख मैसेज प्रायर पहले का होता है, अगर आपने 1 लाख इनबॉक्स मैसेज करना है तो आपको सेपरेट मैसेजेस करने पड़ते थे। अब ये ईमेल की फैसिलिटी के थ्रू आपको इसका बेनिफिट क्या मिल गया कि आपने एक विद इन अ मैटर्स ऑफ मिनट्स आप उन सबके सबका ईमेल एड्रेस सेव किया होता, आप उसको ला कर रेस्टोरेंट में ऐड करते हैं और उसके बाद आप उसको वहाँ से क्लिक करते हैं सेंड, वो के 1 लाख ईमेल्स एक साथ सेंड हो जाती हैं सबको। इजी टू यूज़ एंड ऑर्गेनाइज डेली कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी डेली कॉरेस्पॉन्डेंस उनको आप इजीली इस्तेमाल ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है लॉक, क्योंकि इसकी कोई खास कॉस्ट आपको नहीं पड़ती। गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो है कि आप पेपर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ही ईमेल पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको वहीं पे रिप्लाई कर देते हैं तो इसमें यहाँ पर कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई एनवायरनमेंट हैजर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा अनलेस आप इसको प्रिंट आउट नहीं करते। इसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। कॉमन लिमिटेशन ऑफ ईमेल इंक्लूड, ईमेल्स की जो कॉमन लिमिटेशन है वो क्या है, कैन बी इन एफिशिएंट वे ऑफ रीचिंग अ डिसीजन वेयर अ टेलीफोन कॉल और मीटिंग माइट बेटर फैसिलिटेट द इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड रीचिंग अ कंसेंसस। इन केस अगर आपको एक डिटेल्ड किसी चीज़ पर मीटिंग करनी है, आपको एक डिटेल किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो वहाँ पर आपको टेलीफोन कॉल ज़्यादा बेहतर रहेगी बनस्बत ये कि आपको ईमेल मैसेजेस के, क्योंकि ईमेल मैसेज के थ्रू आप एक शॉर्ट मैसेज कन्वे करते हैं और अदर से भी आपको एक शॉर्ट मैसेज रिप्लाई आता है तो मे भी हो सकता है कि प्रॉपरली आपका मैसेज उनको कन्वे ना हो रहा हो और उनका मैसेज आपको कन्वे ना हो रहा हो, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हेल्प आउट नहीं करता अनलेस आप एक प्रॉपर मीटिंग अरेंज ना कर लें। कैन बी सीन एज एन इनसेंसिटिव वे ऑफ शेयरिंग बैड न्यूज़ एंड पर्सनल मैसेज व्हेन अ ह्यूमन टच वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। जब एक ह्यूमन टच इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये एक इनसेंसिटिव वे है कि आप कोई बैड न्यूज़ अगर फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल के थ्रू किसी को बैड न्यूज़ शेयर करें, आप उसकी पर्सनल कंडीशन से अनअवेयर हैं कि उसकी पर्सनल कंडीशन इस वक्त क्या है, तो आप उसको अगर एक बैड मैसेज शेयर कर रहे हैं, बैड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट और इनसेंसिटिव भी हो सकती है फॉर सम यूजर्स, उनके लिए ये चीज़ कि अगर आप उसको डायरेक्टली कोई एक बैड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। पुअर कंस्ट्रक्टेड मैसेज माइट बी मिसइंटरप्रेटेड बाय द रेसिपिएंट। अगर आपके मैसेजेस को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हुआ या आपने कोई प्रॉपर तरीके से मैसेज को कंस्ट्रक्ट ना किया हुआ तो वो आपका मैसेज मिसइंटरप्रेट भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। आपका मैसेज मिसइंटरप्रेट होगा तो उससे आपको कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ेगा और आपको लॉस भी हो सकता है।
एन एब्सेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज बॉडी लैंग्वेज कैन ऑल्सो लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ईमेल, क्योंकि इसमें कोई आप फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका कोई बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर नहीं दूसरे रिसिपिएंट को रिसीव हो रहा, तो मे भी हो सकता है आपका मैसेज मिस इंटरप्रेट हुआ। मतलब बाज़ अवक़ात हम कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो जॉय में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो सौरा में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो यूज़र अनएबल टू एक्सप्रेस कि आप बेसिकली आपने वो वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए हैं या आप उसको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम फेस टू फेस टॉक कर रहे थे हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग इन सम ज्यूरिसडिक्शन, हाँ ये सबसे मेजर जो इसका डिसएडवांटेज ईमेल बिजनेसेस के अंदर होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, जो ईमेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करते हैं, वो बेसिकली बाज जगह पर वो लीगली जो है आपको बाइंड नहीं कर सकते, अनलेस कि आप पेपर के ऊपर खुद हैंड रिटन साइन नहीं करते, अपनी ड्यू स्टैम्प नहीं लगाते और फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि जो ऑन पेपर आप जो चीज़ सेंड करेंगे उस पर स्टैंप लगी होगी, कंपनी की सील लगी होगी, तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर लीगल देन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल ओवरलीड अ ईमेल का जो ओवरलोड होता है उसका भी नुकसान होता है, गिवन हाउ इजी इट इज टू इंक्लूड मल्टीपल रेसिपिएंट, आप एक ईमेल के अंदर मल्टीपल रेसिपिएंट इजीली आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑन ईमेल, देयर कैन बी अ टेंडेंसी टू इंक्लूड नॉन रेलेवेंट रेसिपिएंट्स इन ईमेल्स, क्योंकि आप मल्टीपल रेसिपिएंट ऐड करने की फैसिलिटी है, तो मे भी हो सकता है कि जो आपके इस मैसेज से रेलेवेंट लोग ना हो आप उनको भी मिस्टेकनली ऐड कर लें। दिस जनरेट वर्क फॉर ईच नॉन रेलेवेंट रेसिपिएंट टू ओपन द मैसेज, जो कि नॉन रेलेवेंट रेसिपिएंट है उसको भी वो मैसेज ओपन करना पड़ सकता है, डाइजेस्ट द कंटेंट, उसको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू देम, देन आइदर डिलीट और फाइल द मैसेज, और या तो फिर उसको डिलीट कर देगा या उसको मैसेज को फाइल करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका टाइम जो है वो ज़ाया होगा और उसका एक प्रीशियस टाइम ज़ाया होगा, तो उसका वर्कलोड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। स्पैम, बाज़ अवक़ात मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं, वेरिएशन ऑन द प्रीवियस पॉइंट, दिस इज वेयर कंपनीज टिपिकली एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स रिपीटेडली सेंड अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ईमेल्स दैट फ्लड अ यूजर्स इनबॉक्स, तो वो यूज़र क्या करता है कि वो आपको स्पैम में फेंक देगा, अगर आपको उसको बार बार टिपिकली एक कंपनी जो है ना अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज सेंड करते तो आपको स्पैम फेंक देगा, तो हो सकता है आपके जरूरी मैसेज फिर उसको रिसीव ना हो सके। ईमेल्स में कैरी वायरसेस विच स्प्रेड रैपिडली, ईमेल्स के अंदर वायरसेस भी जा सकते हैं जो कि आपके यूज़र के सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, अगर उसके अंदर वो वायरस इंस्टॉल हो जाता है तो वो वायरस की वजह से किसी यूज़र का सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। और अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप काइंडली कॉमेंट सेक्शन में फील फ्री टू कॉमेंट अस, हम आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।